गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋचा और आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये हमारा CDP का टॉपिक है, या कहिए ये पेडोगॉजी सेक्शन में भी आ जाता है। इससे पेडोगॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन CDP के पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली सीटेट के लिए। सीटेट से इससे एक या दो क्वेश्चन हर बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। KVS हो गया, DSSSB हो गया, इन सारे एग्ज़ाम के ये फेवरेट टॉपिक होते हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं या हमें पता ही नहीं होता कि ये भी हमारे सिलेबस में है या हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। जब हम एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये आ कहाँ से गया। तो हम आपको ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जो हम इग्नोर करते हैं, जिससे क्वेश्चंस छोटे छोटे ही बनते हैं, पर नंबर स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। बहुत टफ इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस हमें नॉलेज नहीं होती इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम अपनी आज की ये क्लास शुरू करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या बताया गया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी में बच्चे के बिहेवियरिज्म का सिद्धांत देता है, मतलब बच्चे के व्यवहार से संबंधित सिद्धांत ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिया गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को ब्लूम ने द्वारा दिया गया था। ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये दिया गया है। अब इसमें क्या है, एम ऑफ टीचर इज चेंज इन बिहेवियर। इसमें बताया गया है कि टीचर का उद्देश्य हो, वो टीचर जो है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, यही टीचर का उद्देश्य होता है। अब ब्लूम ने अपने इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने 6 स्टेज बताई है कि बच्चा जो है वो कैसे कैसे सीखता है। तो सबसे लो प्रोसेस से सबसे अपर लेवल तक की पूरी इन्होंने बात की है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे पहला स्टेप या सबसे लास्ट स्टेप कौन सा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने बच्चों के सीखने के क्रम में सबसे पहला क्रम क्या बताया या सबसे अंत में क्या होता है। तो चलिए हम अपने इन 6 चरणों को देख लेते हैं। तो जो सबसे लोअर ऑर्डर है, मतलब सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे, ये एक पिरामिडल शेप में बना हुआ है। तो सबसे नीचे इन्होंने बताया ज्ञान को, नॉलेज को, फिर बताया समझ को। पहले ज्ञान होता है, फिर समझ होती है। जब समझ आ जाता है तो बच्चा जो है अनुक्रिया करता है या उसे अप्लाई करता है। फिर उसका विश्लेषण या एनालिसिस होता है, फिर संश्लेषण, और उसके बाद सबसे अंत का प्रोसेस मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लूम के द्वारा जो हमारी शिक्षा का ऑर्डर है वो सबसे अंत में क्या होता है। तो सबसे अंत में बच्चे का मूल्यांकन होता है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे लास्ट स्टेज जो होती है वो मूल्यांकन की होती है। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं कि जैसे एक टीचर होता है, सबसे पहले वो ढेर सारे नॉलेज को इकट्ठा करता है, ज्ञान को इकट्ठा करता है। जैसे उसे नाउन पढ़ाना है तो सबसे पहले टीचर को नाउन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, नॉलेज या ज्ञान हो गया या रिमेम्बर। फिर नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग या समझ। अब टीचर बच्चे को समझाएगा, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, तो हमारा यही दूसरा स्टेज है, समझ। तो दूसरा, अब जैसे टीचर को नाउन बच्चे को समझाना है तो वो उसे पहले तो टीचर ने उसका नॉलेज इकट्ठा किया, फिर वो बच्चे को समझाया, तो समझ हो गया। फिर हमारा थर्ड स्टेप है अनुक्रिया। अब जब टीचर ने बच्चे को नाउन समझा दिया तो बच्चे को उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए कि नाउन हमें किस क्या क्या एग्जाम्पल दे के टीचर ने पढ़ाया है। तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया अप्लाई या अनुक्रिया। अब जब बच्चा अप्लाई करने लगेगा तो उसके बाद वो उसका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण मतलब तोड़ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ेगा, एनालिसिस करेगा, जानेगा, उसको तोड़ मरोड़ के देखेगा। तो यही हमारा एनालिसिस हो गया। उसके बाद संश्लेषण, फिर वो उन चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के, जैसे कि अब नाउन का आप कोई वो एग्जाम्पल बनाएगा पूरा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के, तो इस तरह से वो उसका संश्लेषण करेगा। संश्लेषण मतलब जोड़ना होता है, सभी जो जितनी चीज़ें उसने सीखी है वो सबको एक जगह पे एक एग्जाम्पल के द्वारा बताए। तो यही हमारा संश्लेषण हो गया। अब जब संश्लेषण हो गया, मतलब बच्चे ने ये तोड़ना और जोड़ना शुरू किया, तो अब बच्चे का एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होगा तो उसने, मान लो नाउन आ गया उसमें, उसने लिखा, तो टीचर उसका मूल्यांकन करेगा, देखेगा कि उसने क्या लिखा, कैसे किया। तो सबसे अंत में क्या होता है, बच्चे का उसने जो सीखा उसका मूल्यांकन होता है। तो यही हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपने इस थ्योरी में समझाया हुआ है। तो यहाँ हम छोटी छोटी डिफिनेशन भी बता दिए हैं कि ज्ञान, ज्ञान के अंतर्गत मतलब पहले पढ़ी हुई सामग्री को निपटाना, फिर वो समझ सामग्री के अर्थ को समझना, फिर प्रयोग करता है तो ठोस स्थितियों में सूचनाओं का उपयोग करना, फिर विश्लेषण,
फिर विश्लेषण मतलब सामग्री को कई भागों में तोड़ना, संश्लेषण सभी भागों को मिलाकर एक रूप में रखना, फिर उसका मूल्यांकन होता है तो उत्पाद के मूल्य की पहचान करना एवं जांच करना। बस आप ये नाउन वाला एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको सारे स्टेप क्लियर रहेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ब्लूम ने 3 उद्देश्य दिए थे अपने इस ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य था कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वो बच्चे के रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन होता है, क्योंकि अगर उसके नॉलेज को आपको चेक करना है तो आप उसके एग्ज़ाम लेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या और कितना सीखा है। उसके बाद क्या है इसमें, आंतरिक मन आंतरिक ज्ञान को समझना बच्चे के। इसके द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य से टीचर जो है वो बच्चे के अंदर उसने दिमाग में कितनी चीज़ें रखी, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो ये चीज़ें टीचर को बताती है। ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन। फिर इसको 6 लेवल में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य को। ऊपर जो हमने डिस्कस कर लिया वही ये 6 प्रकार के उद्देश्य हैं जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। तो पहला ज्ञान, फिर समझ, फिर अनुक्रिया, विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन होता है। फिर हम दूसरा स्टेज देख लेते हैं, अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य में क्या होता है, इसको किसी एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम के द्वारा हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। भावात्मक उद्देश्य ओरल, आप बच्चे से ओरली क्वेश्चन करें, वो ओरली उसका आंसर दे, तो यही हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है। देखिए, ओरल टेस्ट के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत फीलिंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड इत्यादि ज्ञान प्राप्त होता है। टीचर अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जानना है तो वो ओरल उससे ओरली पूछेगा, बच्चा बताएगा, अच्छे से बताता है तो उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, अच्छे से नहीं बताता तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यही हमारा भावात्मक उद्देश्य है। भावात्मक उद्देश्य के भी 6 लेवल बताए गए हैं, अर्थात बच्चा 6 प्रकार से सीखता है। अब देख लीजिए ये 6 लेवल कौन कौन से हैं भावात्मक उद्देश्य के। तो पहला है रिसीविंग, सबसे पहले बच्चा ग्रहण करता है। इसके अंतर्गत बच्चा ओरल टेस्ट के द्वारा भावनाओं को ग्रहण करता है। फिर क्या है, रिस्पॉन्ड मतलब प्रत्युत्तर, वो सीख लेगा तो वो उसका आंसर देगा, तो वही हमारा रिस्पॉन्ड होता है। बच्चा जो चीज़ सीखा, ग्रहण किया इस लेवल में, वह उसका रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स के बाद क्या है, वैल्यूइंग मतलब नैतिक मूल्यों को बच्चा एक्सेप्ट करेगा, जब सीख लेगा तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, बच्चा देखी हुई चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट बनाएगा, वो जितनी चीज़ें देखा जितनी चीज़ें सीखा उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बनाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चा अब जो कॉन्सेप्ट बना लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करे, मतलब बच्चा आइडिया को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करता है और जो भी उसको संदेह या डाउट होता है उससे वो रिमूव करता है, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कैरेक्टराइजेशन है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो कुछ भी देखा महसूस किया निर्माण किया उससे उसके चरित्र का निर्माण होता है। तो सबसे लास्ट में इस भावात्मक डोमेन के अंतर्गत बच्चे के कैरेक्टर का निर्माण हो जाता है। फिर हमारा तीसरा स्टेज है साइको मोटर डोमेन। इसमें क्या होता है, साइको मतलब उसके बुद्धि से रिलेटेड होता है, जो ये थर्ड स्टेप है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी का। तो इसमें क्या होता है, बिहेवियर को इस तरह से डील करते हैं जिससे हमारा दिमाग भी लगे और क्रिया भी करें हम। जैसे साइकिल चलाना साइको मोटर डोमेन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा दिमाग का प्रयोग करके क्रिया भी करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अपनी आज की क्लास थी जिसमें हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया। आपको कैसी लगी ये क्लास, क्या समझ में आया क्या नहीं, वो हमें अपने कमेंट के माध्यम से राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो डाल दें। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ आगे और भी करने को। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ऐसे ही नए टॉपिक और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।